पिछोर विधानसभा में 6 बार विधायक रहे और हाल ही में शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। केपी सिंह कक्काजू काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि वे अपने बड़बोलेपन के कारण सुर्खियां बटोरते हैं और कई बार इन पर केस भी दर्ज हो जाते हैं। ऐसे में अब केपी सिंह फिर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवपुरी विधानसभा में केपी सिंह के लिए एक आम सभा रखी गई, जहां पहुंचकर ये सामने आया कि केपी सिंह की सभा साफ तौर पर पूरी तरह से विफल साबित हुई। सूत्रों के मुताबिक उस आम सभा में पब्लिक को दूसरी विधानसभा से बुलवाया गया था, जिससे कि भीड़ इकट्ठा हो सके। साथ ही सभा में 16 साल के नाबालिग बच्चों को भी सम्मिलित किया गया और पूरी सभा में कुर्सियां खाली भी मौजूद नजर आए। जानकारी के मुताबिक कई गाड़ियों में पिछोर विधानसभा से पब्लिक इस सभा में सम्मिलित होने आई। वहीं जब जनता से चर्चा की गई तो जनता द्वारा ये कबूल किया गया कि हमें यहाँ पर कुछ देकर बुलाया गया है। कौन ले गया था? कक्काजू। कुछ मिला है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला। मिलेगा। बोला है। क्या मिलेगा? जुबिन ने बोला है वो मिलेगा। क्या बोला है भाई, पूछ रहा हूँ। क्या बोला? जिस पर सवाल किया गया पर जनता इसका जवाब नहीं दे पाई। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि वाकई केपी सिंह अपनी सभा को सफल बनाने के लिए जनता को लालच के जरिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही इनकी भ्रष्टाचारी नीति समझ आती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आप एक भ्रष्टाचार को वोट देंगे या फिर ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे। दोगे? बजा बेटा, नसीब है। जहाँ काय के लिए आए थे? बामे आए थे। काय में? वो जुड़ गए थे में आंगे। और कौन लेके आया था? अरे आए लोग, काका जी लाए। क्या मिला? कुछ मिला? चलो ऊपर वालों दे रहा हूँ, बढ़िया है, सुन ले। नहीं, आपको कुछ दे के लाए हैं यहाँ पे? नहीं, आपको पता ही नहीं है क्यों आए हो? अरे आ गए, प्रचारण में आ गए। कौन से गांव से आए हो? मनियर। काय के लिए आए थे यहाँ पे? क्यों आए थे यहाँ पे? मीटिंग में है? मीटिंग में कैसा लगा? बढ़िया। वोट दे रहे? आज यही बताना पड़ेगा। ऐसे आपका मन पूछ रहे हैं? दे देंगे जिसको देना होगा। ऐसा अभी मन नहीं बना है? अभी मन नहीं बना एक? अरे देना होगा जिसको दे देंगे। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? वो जनता की सुनते हैं। अच्छा, आप पिछोर से हो क्या? हाँ। पिछोर से आए हो? हाँ, पिछोर से आए। पिछोर से शिवपुरी सपोर्ट करने आए? हाँ। इतना क्रेज है? हाँ। किसी ने जोर जबरदस्ती की? नहीं, मन से आए। भाषण चल रहा है? भाषण चल रहा है तो क्या? छुट्टी? आओ आओ। किसके साथ आए थे? काय के लिए आए थे यहाँ पे? आओ। भाषण। कितना पैसा मिला? पैसा कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कुछ नहीं, भाषण नहीं सुनना। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ तो मिला होगा है? ऐसे कैसे आ गए बिना कुछ लिए? कुछ तो लिया होगा ना? अब क्या मिलने? कुछ नहीं। कुछ वादा किया है? मेहनत तो मिल गए ना जी। बताइए नाम है भैया आपका? राजेंद्र कुशवाहा। कितने साल के हो? 16 साल के। कौन से गाँव? बैरागढ़। तो क्यों सपोर्ट कर रहे हो कक्काजू? कक्काजू बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करवाते हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। वोटर आई डी बन गए? नहीं। आपके गांव में सब लोग इनको ही सपोर्ट? यस। क्या क्या ऐसा कारण है कि आपके गांव में? जानते हैं हम इनको पहले से भी, पिछोर से। हमारे मामा जी हैं उधर के, इसलिए अच्छा काम करते हैं, अच्छा विकास गांव का इसलिए करते हैं। कितने लोग आए हो गांव? से आए हैं हम 100 लोग। तो कोई लेके आया है? हाँ, सरपंच जी लेके आए। क्या बोला उन्होंने? बोला नहीं, हम अपने मन से आए हैं कुछ। हाँ, एक साथ आए। आपके गांव से पूरी पोलिंग इनकी तरफ ही जाएगी? क्या? आपके गांव से पूरा सपोर्ट इनकी तरफ? यस। कौन से गांव से आए हो? कौन से गांव से? मायापुर। मायापुर। क्या करने आए हो यहाँ पे? हम खेती बाड़ी करते, खेती करते हैं। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे क्या करने आए हो? जितावे आए कक्काजी को। क्यों जिता रहे हो? बे हमें सुविधा सब
दे रहे हैं। पूछे आप उनसे कौन से गांव से आए? ढला से। ढला से? ढला। कितने लोग आए हो? ब्लॉक दो दिन के कारण आए। क्यों सपोर्ट कर रहे हो इनको? बराबर बच्चे के आदमी आए। वो कौन लेके आया? मित्रा मित्रा मित्रा। क्या बोल के लेके आया? कौन से गांव से आए हो भैया? कौन से गांव से आए भैया? कितने लोग हैं? अकेले। क्या खास कारण है कक्का जुगो सपोर्ट? क्या खास कारण? क्यों सपोर्ट कर रहे हो इनको? क्यों 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 वोट देना चाह रहे हो? अच्छा काम करती है। तो पिछोर से शिवपुरी आए हैं, वो पहले पिछोर में थे, अब शिवपुरी क्यों आए? शिवपुरी भी आए हम। शिवपुरी विधानसभा में ही आते हैं, पिछोर में आते। मैं उनकी पूछ रहा हूँ, आप किसकी तरह? क्या आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? माननीय कक्काजू साहब को दिल जी जान से सपोर्ट करते हैं। क्या खास कारण है? जरूर कभी भी किसी भी स्थिति में आधी रात को बॉस को फोन लगाओ, हर वक्त काम आते हैं, ये उनकी एक विशेषता है। और माननीय कक्काजू साहब बहुत आगे जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और लिख लो स्टाम्प पेपर पे, करीब 20-40 हज़ार से जीत होगी माननीय विधायक कक्काजू साहब की। लोगों का कहना है कि वो स्थानीय नहीं है, पिछोर से हैं, तो शायद कुछ दिक्कतें हो, अगर कोई समस्या हो तो उनके पास नहीं जा सकते, इसके बारे में क्या कहना? हमारे माननीय कक्काजू साहब ने, जैसे कि लॉकडाउन लगा था जब कोरोना आया था, तो माननीय कक्काजू साहब ने अपनी राशि 1 करोड़ रुपये सिर्फ इसलिए दी थी कि शिवपुरी जिले में जो आम गरीब जनता है उसका इलाज हो सके सुचारू रूप से। तो जब वो यहाँ के विधायक नहीं थे, लेकिन तब भी उनने यहाँ पे राशि दी थी, इसलिए आप ये बात मान के चलो कि बॉस जहाँ है वहाँ हर चीज़ संभव है जी। क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी अगर वो विधायक बनते हैं? वो अगर विधायक बनते हैं तो आधी रात को कोई भी गरीब हो, कोई भी परेशान हो, कोई भी चीज़ हो, हर व्यक्ति के लिए रात के 12 बजे भी यदि आप फोन लगाते हो तो कक्काजू हमेशा काम आते हैं, ये उनकी विशेष एक बड़ी विशेषता है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।